गुड मॉर्निंग। हम लोग आज देखेंगे गतिशीलता। किसकी गतिशीलता देखेंगे? चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि कोई चालक या धातु होता है तो धातुओं में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, मतलब वाहक का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन ही करते हैं धातु। लेकिन हम लोग देखे थे उसमें कि अगर कोई जैसे जलीय विलयन है तो उसके लिए अगर उसमें देखते हैं उसमें दो आयन, मतलब पॉजिटिव आयन था प्लस आयन और माइनस आयन दोनों के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो मतलब विलयन में जो वाहक का काम करेगा इसमें दोनों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। लेकिन अगर हम चालक या धातु की बात करते हैं उसमें कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य करता है। लेकिन अगर यही बात हम इसमें करें अर्धचालक की, तो अर्धचालक में देखते हैं क्या होता है, कोटर एक हमारा होता है। दूसरी चीज इसमें अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका आपके सिलेबस में है अर्धचालक, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। वहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम करता है वहाँ पे कैरियर मतलब धारा को ले जाने के लिए जो काम होगा वो किसका होगा? कोटर का, प्लास्टिक वाले भाग को कोटर का, और दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो इनके जो है आधार पर हम कहते हैं कि जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रत्येक चालक में, हम तो बात कर रहे हैं देख रहे हैं चालक के लिए, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी जो है किस रूप में घूमते हैं? आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी चालक की अगर बात किया जाए तो चालक में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निर्भर करते हैं वीडी पर। वीडी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडी क्या होता है? अनुगमन वेग पर, मतलब ये सारी क्रियाएं जो होती हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के कारण ही हम पढ़ चुके हैं कि धारा उत्पन्न होती है। ठीक, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो हमारी गतिशीलता होती है वह निर्भर करेगी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन के जो है अनुगमन वेग, अर्थात उसमें अनुगमन वेग की स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती है। ठीक, तो कहेंगे कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन या वाहक आवेश, किसी चालक का वाहक आवेश वह अनुगमन वेग होता है जिसमें एकांक वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं किसी चालक की गतिशीलता वह आवेश वाहक होता है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ठीक, म्यू, म्यू बराबर क्या होगा? कह है कि एकांक आवेश है, मतलब एकांक जो है चालक की बात की, एकांक वैद्युत क्षेत्र में। ठीक, तो चालक में वीडी, वीडी मतलब अनुगमन वेग। ठीक, तो हो जाएगा म्यू बराबर आपका होगा वीडी अपॉन ई। या वीडी किस पर निर्भर करेगा? नी, वीडी निर्भर करेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। लिख सकते हैं यहाँ पे मात्रक क्या होगा, इसके लिए मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और ई, ई के लिए हम इक्वेशन यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं, ई, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। तो ऐसे में लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम्ब, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन प्रति कूलम्ब, एक साथ कर लेंगे, एक साथ करेंगे तो लिख सकते हैं इसको मीटर कूलम्ब, मीटर कूलम्ब न्यूटन, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। और अगर और एमपीएस पद्धति में इसको सही तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ये हम जानते हैं कि न्यूटन मीटर बराबर आपका होगा मीटर कूलम्ब, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें मीटर कूलम्ब अपॉन न्यूटन किसके बराबर होगा? या एम इनटू ये जानते हैं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब ये सेकेंड इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा ये सेकेंड ऊपर जाएगा, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कूलम्ब सेकेंड प्रति किलोग्राम। ठीक, यह किस प्रकार की राशि है? यह जो हम देख रहे हैं कि यह निर्भर कर रहा है किस पर? वीडी पर। वीडी, वीडी भी क्या है? एक प्रकार का आपका
किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, ये भी क्या है, सदिश राशि है। तो कह सकते हैं कि यह जो है इनकी दिशाओं पर क्या करेगा, निर्भर करता है किसके, वीजी के, जिधर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गमन करते हैं उसी की दिशाओं पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक, तो ये छोटा सा पॉइंट था गतिशीलता। गतिशीलता जो हम समझे कि ये आवेश वाहक पर क्या करता है, काम करता है। ठीक, अब दूसरी अगर देखेंगे इसी के अंतर्गत, दूसरी हेडिंग बैटरी प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध आप लोग जानते हैं कि इक्वेशन पढ़े कि जब किसी चालक में हम कह रहे हैं कोई चालक लेते हैं, ठीक, चालक में हम किसी को बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं चालक को, ठीक, तो क्या होगा अगर इसमें इसका वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज भी है और इसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है, तो कंडीशन कहेंगे कि इसके बीच में हम पढ़े हैं कि यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो इसके अंदर जो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ये तो पढ़े हैं कि गैसों की भांति वह रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करेंगे तो यहाँ से लेकर के पूरे जो है चालक पर एक समान रूप से क्या होगा, जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कंपन होगा। उस कंपन में प्रत्येक जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो क्या करते हैं कि कर्नल का काम करते हैं। कर्नल मतलब होता है कि जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन गायब हुआ वहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले टर्म जो होते हैं वह स्थिर होते हैं, उन्हीं से टकराने से क्या कहते हैं, उन्हीं के संगठन संघट से कहते हैं, ठीक, संघट या कुलजन से क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धीरे धीरे और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण धीरे धीरे हम पढ़े थे कि धीरे धीरे चारों से आगे की तरफ बढ़ते हैं और जिसके कारण धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वैद्युत प्रतिरोध, तो प्रतिरोध किसके कारण होगा, यही जो कर्नल का काम करते हैं इनके कारण कि क्या होंगे, इनके बीच में मोशन होगा उसी पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो क्या कह सकते हैं, यह निर्भर करता है हमारा आई अपान वी अपान आई बराबर क्या होगा, आर के। मतलब कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रतिरोध, चालक में स्थापित धारा तथा नहीं, चालक में स्थापित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, प्रतिरोध सेम आप कह सकते हैं प्रोसेस निर्भर कर रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कंपन। ठीक, तो ऐसे में अगर इस कंडीशन से हमको ये हुआ कि जैसे ये तो दिखाई दे रहा है, आप लोग कह सकते हैं ओम के नियम का पालन कर रहा, लेकिन ओम के नियम में भी अनुक्रमण पाती आय का कंडीशन चलता है जो ओमी नियम के परपत्र, जो ओमी पद का पालन करता है उसमें देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है आर देख रहे हैं हमको जो मिलता है ये इक्वल मिलता है आर वी अपान आई, मतलब इनके अनुपात की क्या होता है, बराबर मिलता है। लगभग ये कह सकते हैं कि 95% चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग कांस्टेंट होता है, 95% धातुओं में कह सकते हैं या चालकों में, जिस धातु चालक की ये क्या होता है लगभग कांस्टेंट तरीके से होता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वी अपान आई का अनुपात जो होगा वो वैद्युत प्रतिरोध की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, मात्रक अगर हम देखेंगे इस कंडीशन में, इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे कि जब किसी चालक, माना कोई वैद्युत जो है चालक, ठीक, चालक में वैद्युत किसी बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया जाता है और चालक में वी विभवांतर स्थापित करने पर धारा क्या बनती है, आई बनती है। ठीक, तो क्या कह सकते हैं अगर परिभाषा देखा जाए तो धार किसका, विभव विभवांतर चालक में और धारा के अनुपात किसके बराबर होंगे, आर के। देखेंगे यहाँ पे वी का मान क्या लिख सकते हैं, मात्रक अगर लिखना चाहे तो वोल्ट बटे क्या हो जाएगा, एम्पियर।
ये किसके बराबर होगा, ये बराबर आपका कंडीशन होगा वी मतलब वोल्ट से, आई मतलब एम्पियर से, ठीक। ये किसके बराबर होगा, ये आपका होगा ओम के बराबर, ठीक। किसके बराबर, ओम के। और ओम को किससे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से ओम को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे और एक कंडीशन देख रहे हैं, किसकी बीमा हमसे पूछा गया, प्रतिरोध की बीमा पूछा जाता है, तो क्या लिख सकते हैं आप, वोल्ट बराबर हम पढ़े हैं कि V बराबर होता है W / Q होता है, तो W के लिए क्या लिखेंगे, जूल और अपान कूलाम, जूल अपान कूलाम। और पूरे के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर। एम्पियर जो है अगर उसके लिए हम देखते हैं तो I बराबर क्या होता है, Q / T, ठीक, Q / T। तो क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति, इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड, कूलाम सेकंड। इसको और सरल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं जूल सेकंड और अपान क्या हो जाएगा, कूलाम। कूलाम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और सब थोड़ा सा करना चाहेंगे तो जूल के लिए हम पढ़े हैं, जूल के लिए क्या लिखते हैं, जो बीमा लिखते हैं m l / 2 t / -2, ठीक, कार्य का बीमा या जूल कार्य होगा। सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, t / कूलाम के लिए क्या लिखते हैं, a और t, a और t, a t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। a साफ कर लेंगे, a साफ करेंगे तो हो जाएगा m l / 2 t / देखिए 2 यहाँ पे है और इधर माइनस है, ठीक, और यहाँ पे t है तो टोटल कितना हो गया, t ऊपर गया कैंसिल हो गया तो बचा केवल t, ठीक। अब क्या हुआ, ये एक दूसरे से कैंसिल, ये ऊपर नहीं, ये ऊपर गया तो किसमें हो गया, माइनस में 4 हो गया और 4 में से एक 1 कट गया तो हो गया -3, ठीक। अब यहाँ पे a को देखेंगे, a पावर कितना हो जाएगा, a पावर -2, तो ये किसका बीमा निकला, ये बीमा आपका निकला आज, r बराबर r की बीमा क्या प्राप्त हुई, m l / 2 t / -3, h a पावर -2, ठीक। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है वैद्युत प्रतिरोध आपका होता है v / I पे। आई ये कहाँ से है, बी जो है निर्भर कर रहा था, इस पर सारे काम जो है इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर हो रहे हैं, ठीक। अगला पॉइंट इसी में देख लेंगे, छोटे से पॉइंट में, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता क्या होगा, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता होता है आपके वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता, ठीक, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अब क्या होगा इसमें, व्युत्क्रम मतलब जो चालकता आपका होगा, चालकता को अगर हम कह रहे हैं C से डिनोट कर रहे हैं तो C बराबर होगा 1/R, ठीक, C बराबर होगा 1/R। अब इसमें अगर हम देखेंगे, इसका मात्रक 1/ohm होगा, और ohm बराबर अगर इसको लिख सकते हैं क्या होगा, ohm इनवर्स, क्या प्राप्त होगा आपको, ohm इनवर्स। और दूसरा कंडीशन क्या प्राप्त होगा, इसको ohm भी कहते हैं, ohm इस रूप से भी इसको पढ़ते हैं या ओम इनवर्स के रूप में वैद्युत चालकता को पढ़ते हैं। अगर वैद्युत चालकता की बीमा पूछी जाती है तो क्या लिखते हैं, उसके लिए हम उसी फॉर्म को, इसके पहले क्या लिखे थे, आर की बीमा जो लिखे हैं l / 2 और t / -3 a / -2। अब इसी का इनवर्स करना है, इनवर्स मतलब हो जाएगा 1/l / 2 t / -3 a / -2, एक साथ कर लेंगे तो हो जाएगा m / -1
एल पावर माइनस टू, टी पावर थ्री, ए पावर टू, ये किसकी बीमा होगी? वैद्युत चालकता की बीमा कहलाए। ठीक, इस छोटे से टर्म के अंतर्गत हम लोग देख लेंगे अगला पॉइंट, ओम का नियम, जो कि हम लोग किस क्लास में पढ़ चुके हैं, ये कंडीशन 10 में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ओम का नियम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसमें देखेंगे जो चीज़ पढ़े हैं उसी से थोड़ा है संबंधित। उसमें क्या कहा गया था कि ओम का नियम क्या होता है, ओम ने जो है एक नियम दिया उस संबंधित, अर्थात उन्होंने बताया कि जब किसी चालक में भौतिक अवस्था अर्थात जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में बिना परिवर्तन किए हुए, विशेष रूप से ताप, ठीक, ताप, दाब और किसमें आयतन में, चालक के, जब किसी चालक के ताप, दाब और आयतन, मान लेते हैं ये चालक है आपका, तो इसमें किसी भी प्रकार का बिना परिवर्तन किए हुए, जब क्या करते हैं इसको किसी बैटरी, बैटरी देखिए विभवांतर कहाँ से आता है, विभवांतर हमको मिलता है बैटरी से, जो हम लोग प्राप्त करते हैं कहाँ से, बैटरी से, तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि जब इसमें क्या करते हैं विभवांतर स्थापित करते हैं, ठीक, विभवांतर स्थापित करते हैं तो इसमें बहने वाली, चालक में बहने वाली धारा क्या होती है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यही क्या है ओम का नियम कहलाता है। ठीक, वी अनुक्रमानुपाती क्या होगा, आई, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आई बराबर जो होगा, आई किसमें, ये सारी बातें किस पर निर्भर कर रही है, चालक में बिना परिवर्तन किए हुए, ठीक, और ये जो चालक हम लेते हैं जो ओम के नियम का पालन करता है उसी के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे हम जो कंडीशन कहेंगे क्या होगा, होगा वी बराबर आपका हो जाएगा आई आई आर, बी बराबर आई आर, ठीक, यहाँ पे आर क्या है आपको मिला है कॉन्स्टेंट वैल्यू मिला, और कॉन्स्टेंट वैल्यू जो ओम के नियम का पालन करता उसी में ये वैल्यू पार करता है। ठीक, और ये क्या कहलाता है, यहाँ पे इसकी पहले पढ़ चुकी है आर, यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इस फार्मूले का अर्थ हुआ कि यहाँ पे जैसे हम लेते हैं ये आई कंडीशन, ये वी है, तो इसमें जो भी हमको प्राप्त होगा, जो हमको कर्म प्राप्त होगा वह कैसा प्राप्त होगा, एक स्टेट लाइन, स्टेट लाइन में कहने का अर्थ हुआ कि जैसे जैसे हमारी धारा इसमें बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा क्या होगा, वैसे वैसे जैसे विभवांतर हो रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, या कह सकते हैं धारा पारी वैसे वैसे विभवांतर उत्पन्न होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई चालक है, चालक में हम दो मान लीजिए यहाँ पे दस कितने सात वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, इधर सात होगा इधर जीरो अगर जोड़ दिए हैं, तो इसमें मान लेते हैं इसके कारण 2.1.5 एम्पीयर की धारा उत्पन्न हो रही है। अगला मान लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, तो इस साइड में 12 और इस साइड में 0, तब अगर इसके कारण इस कारण जो है 2.5 एम्पीयर की धारा प्राप्त हो रही, तो ये कहने का अर्थ हुआ जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे वैसे ही इसमें क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो निर्भर करता है कि चालक भी वो ही पर स्थापित करेंगे, ठीक, और वह किस रूप में होगा, स्टेट लाइन में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका कि उसके चालक ने बिना किसी परिवर्तन के तब ये कार्यकलाप हो सकता है, तभी ये ओम नियम, ओमी नियम या कह सकते हैं ओमी पर्वती नियम का पालन कर सकता है। ठीक, धन्यवाद।